भारत अमेरिकी सैनिक समझौते से ड्रैगन परेशान हो गया है। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा है कि इस गठबंधन से चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि रूस भी नाराज हो सकता है। ये प्रयास भारत को एशिया में भू राजनीतिक शत्रुताओं के केंद्र में लाकर नई दिल्ली के लिए रणनीतिक परेशानियां पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच साजो सामान की अदला बदली को लेकर अहम लॉजिस्टिक समझौता हुआ है। इस समझौते से पहले लिखे गए एक संपादकीय में सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यदि भारत अमेरिका की ओर झुकाव रखता है तो वो अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता खो सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि बेशक ये भारत अमेरिकी सैनिक समझौते में बड़ी छलांग है, लेकिन इससे भारत अमेरिका का पिछलग्गू बनकर रह जाएगा। अमेरिका जानबूझकर ऐसे कदम उठा रहा है ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। संपादकीय में कहा गया, अगर भारत अमेरिकी गठबंधन के तंत्र में जल्दबाजी में शामिल हो जाता है तो इससे चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि रूस भी नाराज हो सकता है। ये शायद भारत को सुरक्षित महसूस कराने के बजाय उसके लिए रणनीतिक मुश्किलें ले आएगा और ये उसे एशिया में भू राजनीतिक शत्रुताओं के केंद्र में ला सकता है। गौरतलब है कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी लिमोआ ईंधन भरने और साजो सामान को जुटाने के लिए भारत और अमेरिका को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। NMF News की रिपोर्ट।